दोस्तों टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुबाल मच चुका है दोस्तों। यहाँ पे मतलब है ना कुछ बड़े बड़ी चीजें यहाँ पे ऐसे हो रही है। एक तरफ भारत सरकार यहाँ पे इतना बड़ा रिवाइवल पैकेज, राहत पैकेज कंपनियों के लिए लेके आई, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे ट्राई की एक रिपोर्ट ने दोस्तों खलबली मचा दी है। जुलाई का दोस्तों ट्राई हमेशा दोस्तों नई रिपोर्ट लेके आता है, हर महीने बताता है कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में कौन है किंग और कौन नीचे जा रहा है, कौन नए सब्सक्राइबर ला रहा है, कौन सब्सक्राइबर खो रहा है। जुलाई महीने में दोस्तों हड़कंप मच चुका है, जहां पे एक तरफ वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों सब कुछ करने के बावजूद ऑलमोस्ट 14 लाख सब्सक्राइबर खोए हैं। यस, जुलाई महीने की रिपोर्ट निकल कर रही, लेकिन दूसरी तरफ बात करें जियो की तो जियो दोस्तों ऑलमोस्ट यहां पे 65 लाख नए सब्सक्राइबर ऐड किया है। तो ये पूरी चीजों को समझेंगे किस तरह से जियो कहां जा रहा है, क्या उसका नेटवर्क अच्छा हो रहा है, क्या जियो यहां पे ऐसा क्या कर रहा है, वोडाफोन आइडिया को ऐसा तो क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को दोस्तों समझेंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में दोस्तों ट्राई जो है उसका बहुत बड़ा दोस्तों नाम है, क्योंकि ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टेलीकॉम सेक्टर में दोस्तों नकेल रखती है। और ये हमेशा हर महीने कुछ भी बड़ी अपडेट होती है टेलीकॉम सेक्टर की वो आपके सामने लेके आती है कि कौन सी कंपनी ने कितने सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, कौन सी कंपनी कितने पानी में, कौन सी कंपनी को लाखों सब्सक्राइबर छोड़ के गए, किसके पास आए। इस बार दोस्तों रिपोर्ट निकल गई जो थोड़ी चौंकाने वाली यहाँ पे, जहाँ पे जियो एयरटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जियो एयरटेल 8 मोबाइल सब्सक्राइबर इन जुलाई, वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों यहाँ पे निराश किया, 14,30,000 सब्सक्राइबर इसको छोड़ के गए ट्राई का दोस्तों जुलाई महीने का रिपोर्ट बोलता है। थोड़ा डिटेल में चलते हैं, देखते हैं कितने कितने सब्सक्राइबर ऐड किया, इसका कारण क्या था। रिलायंस जियो एडेड मोबाइल सब्सक्राइबर इज द सर्चिंग पेज दोस्तों, जुलाई महीने में बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर ऐड किया यहाँ पे और बहुत स्पीड से। अभी तो जियो फोन नेक्स्ट आया भी नहीं, उससे पहले ही यहाँ पे जियो ने दोस्तों तहलका मचा दिया और कुछ सब्सक्राइबर यहाँ पे एयरटेल ने भी ऐड किया। लेकिन बात करें वोडाफोन आइडिया की तो ऑलमोस्ट 14.3 लाख सब्सक्राइबर, ऑलमोस्ट 14.25 लाख सब्सक्राइबर जुलाई महीने में छोड़ के गए यहाँ पे। रिलायंस की बात करते हैं नंबर वन दोस्तों रहा यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर 65.1 यानी ऑलमोस्ट 65 लाख सब्सक्राइबर दोस्तों जुलाई महीने में ऐड किए, यस 65 लाख सब्सक्राइबर। उसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे भारतीय एयरटेल की तो 19.42 यानी ऑलमोस्ट 19.5 लाख सब्सक्राइबर, यस 19.5 लाख सब्सक्राइबर जुलाई महीने के अंदर भारतीय एयरटेल ने ऐड किए। कितने की यहाँ पे जियो ने 65 लाख, एयरटेल की बात करें तो 19.5 लाख, अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की तो 14,30,000 ऑलमोस्ट 14 लाख सब्सक्राइबर छोड़ के गए। लेकिन ये दोनों ही कंपनी जियो और एयरटेल अच्छे खासे सब्सक्राइबर, लेकिन खास करके जियो 65 लाख सब्सक्राइबर प्लेटफॉर्म पर लाया है, वो दूर नहीं होगा कि 500 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी कर लेगा ये, क्योंकि उसका जियो फोन नेक्स्ट बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। बात कर लीजिए यहाँ पे अगर टोटल अगर बात करें जियो की तो भारत में इसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हो चुके हैं, 44.32 में 44.5 करोड़ सब्सक्राइबर जुलाई महीने तक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ दोस्तों सब्सक्राइबर यहाँ पे हो चुके हैं, ये ट्राई का डेटा बोल रहा है। अगर दोस्तों बात करें जियो, इसने यहाँ पे इस महीने में खास करके 34.8 यानी ऑलमोस्ट 35 लाख सब्सक्राइबर गांव में, मतलब गांव में इसका नेटवर्क सुधर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे, ऑलमोस्ट 35 लाख सब्सक्राइबर गांव में यहाँ पे लेके आए। अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने दोस्तों ऑलमोस्ट 35 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पे, 35 करोड़ अगर टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर की बात करें तो 35 करोड़ 40 ऑलमोस्ट 35.5 करोड़ दोस्तों यहाँ पे एयरटेल के टोटल सब्सक्राइबर है जुलाई महीने तक। अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की तो ऑलमोस्ट 14.25 लाख सब्सक्राइबर इसने खोए दोस्तों। अगर टोटल अगर सब्सक्राइबर की बात कर ली जाए दोस्तों जुलाई महीने तक तो 27.19 ऑलमोस्ट 27.5 करोड़ सब्सक्राइबर यहाँ पे वी आई के पास है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे रिपोर्ट थोड़े चौंकाने वाले करते हैं। वी आई का दोस्तों नेटवर्क अभी सुधर रहा है धीरे धीरे, उसका गीगानेट अच्छा रहा है, यहाँ तक कि अभी यहाँ पे 4 साल का मोरेटोरियम मिल चुका है, इसलिए वी आई फंड रेजिंग करेगा, नेटवर्क सुधारेगा। लेकिन फिलहाल जुलाई महीने के अंदर दोस्तों एक बड़ा झटका वी आई को लगा यहाँ पे, जहाँ पे ऑलमोस्ट 14 लाख सब्सक्राइबर इसको छोड़ के गए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जियो ने दोस्तों यहाँ पे खुश कर दिया, जियो दोस्तों यहाँ पे नंबर वन रहा है तो ऑलमोस्ट 65 लाख सब्सक्राइबर ऐड किए यहाँ पे, और एयरटेल ने भी कुछ ऑलमोस्ट 19.5 लाख की। अगर बात करें जियो की तो जियो का नेटवर्क धीरे 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 काफी यहाँ पे सुधर रहा है, और एक यही रीजन है कि जियो दोस्तों गांव में भी ऑलमोस्ट 34 लाख सब्सक्राइबर नए लाए, इसका मतलब उसने नेटवर्क में कुछ काम किया है। आप मुझे बताइए दोस्तों जियो का नेटवर्क आपके एरिया में कैसा आता है, आप गाँव में सिटी में मुझे जो बताना क्या स्पीड आपको मिलती है जियो के नेटवर्क की, और ट्राई के इस रिपोर्ट से आप कितने सहमत है नीचे जरूर कमेंट करके बताना। ये वीडियो अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डिफेंस लगेगा, पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं मुझे देख रहे हैं, ये लाल कलर का बटन जो दबा देना, इसको दबाना चाहे हमारे वीआईपी मेंबर बन जाएंगे, इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज नए वीडियो को देखने के लिए इस घंटी के बटन को जो दबा देना, और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता ही, लेकिन उसके साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, उसे फॉलो करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।